दोस्त है, मैं ये क्लैरिफाई कर करके थक गई हूँ, लिटरली मैं थक गई हूँ. हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी जस्ट गुड फ्रेंड्स एंड लाइक एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, राइट? तो बस क्योंकि आजकल मुझे उन्हीं के साथ लिंकअप किए जा रहे हैं जो कि ऐसा कुछ है ही नहीं. फ्रेंड्स लोग ने भी बहुत लोग ने एग्री किया है. अब ऑब्वियसली फैंस नाइस जोड़ी बोल रहे हैं, दे वांट कि विशाल के जितने चाहने वाले हैं, दे वांट कि विशाल किसी के साथ पेयर अप हो एंड बोथ ऑफ अस आर सिंगल. तो यू नो स्पेकुलेशंस ऐसी आ रही है, बट वो सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. मैं इस बात पर क्लैरिफाई कर करके थक गई हूँ लिटरली. खतरों के खिलाड़ी के बारे में कुछ बता दीजिए. कुछ नहीं, खतरों के खिलाड़ी अभी खत्म. आने वाले दिनों में क्या देखने मिलेगा? आने वाले दिनों में अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक टिकट फिनाले वीक चलने वाला है एंड देन फिर सेमी फिनाले होगा, देन फिनाले होगा. सो बहुत जल्द खतरों के खिलाड़ी एंड होने आ रहा है. और हमने सुना है कि आपके फैंस चाहते हैं कि आप फाइनल की टिकट तक जाएं. टिकट टू फाइनल में आप पहुंचे टॉप 3 में. मैं कहां तक पहुंचती हूं? नहीं, हम फैंस की दुआ है और हमारी भी दुआ है आपके साथ. लगता है आप लोगों को लगता है कि विनर आप लोग के हिसाब से तो विनर बन चुका है कोई. वो बोलने वाले की बात है, बोल रहे कुछ है, लेकिन हम भी चाहते हैं, फैंस भी चाहते हैं कि आप भी टॉप 3 में पहुंचे. और किक बॉक्सिंग करने की वजह, स्पोर्ट्स में क्या रुचि है? मुझे किक बॉक्सिंग बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक ये मेरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है. मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं रनिंग करती हूँ और मैं किक बॉक्सिंग हो गया या पिलाटेस हो गया, तो मैं अपनी एक्सरसाइजेस चेंज करती रहती हूँ. आने वाले दिनों में क्या देखने मिलेगा? मतलब कुछ प्रोजेक्ट, मूवी, सीरियल, रियलिटी शो? मैं साउथ में पिक्चरें करती हूँ, तो साउथ की मेरी पिक्चरें अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है बिकॉज साउथ तमिल इंडस्ट्री थोड़ा बंद है, वहाँ पर वर्क रिज्यूम नहीं हुआ है. सो बस और आपको कौन से स्पोर्ट्स पसंद है? बहुत सारे, बोल तो दीजिए. अभी ठीक है रोहित, आप मेरी बायो मत बोलो. मैं उसके बारे में बोल दो, मिलिंद दादा के बारे में. यार मैं उन्हें जानती नहीं हूँ तो मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूँगी. निया शर्मा भी जा रही है बिग बॉस, आपके दोस्त से सुना मैंने. माय डार्लिंग फ्रेंड, मेरे लिए वो, मैं उसको ब्रो बोलती हूँ. एंड जब वो जा रही थी मुझे न्यूज़ पता चला है, लिटरली मैसेज जो ऐसे बेब यू हैव टू प्ले. सो आई थिंक वो बहुत अच्छा करेगी बिकॉज जो हिसाब से वो है, द वे शी इज, आई थिंक शी इज टू गुड. वो बहुत ब्लंट, बहुत अपफ्रंट लड़की है एंड आई थिंक शी किल इट. सो अभी जब निया जा रही है तो मेरा फुल सपोर्ट निया के लिए, फुल ऑन सपोर्ट निया के लिए. अगर आपको जाने मिला जब सलमान सर होस्ट करेंगे, तब ऑफर अगर आता है खतरों के खिलाड़ी के बाद, तब जाना पसंद करोगे? यार बिग बॉस फिर एक ही घर में आप और निया, वो तो फिर धमाल होगा ऑफ कोर्स बिकॉज निया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. बट बिग बॉस देखते हैं. अगर नहीं जाना कि आप दोनों गए तो किसे जीतना है? निया की आप. अगर फाइनल में समझो बिग बॉस आप गए, अगर फाइनल में आप और निया शर्मा, तो आपकी तब तो आग लग गई. मैं चाहती मैच हमारे सवाल खत्म ही नहीं हुए. बस बस थैंक यू बाय, मिलते रहिए. यप बाय बाय. पाँच मिनट हो गया.